अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं उस जॉइंट सेशन की जो अब से कुछ देर कबल प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो है उससे कौम से खिताब कर रहे थे। हमने देखा कि यहाँ पर पार्लियामेंट के सेशन के अंदर ये चीज़ें बताई गई, इतनी मजबूत सिमत में इकॉनमी जा रही है जिसको काफ़ी हद तक वाजे कर दिया गया। हम बताएं आपको कि लास्ट रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिए गए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की उन्होंने कहा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फोर्थ बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो देती हुई दिखाई दे रही है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो काफ़ी हद तक ट्रैक पर दिखाई दे रही है। वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव थी, इतनी फ्रेजाइल थी, लेकिन अब चीज़ें बेहतरी की तरफ आ गई हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए प्रोजेक्ट्स की, जो लास्ट पॉलिसीज आने के बाद रजिस्टर हुए हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज के अंदर, तो वो 47 अरब से भी तजावुज़ कर गए हैं। इट मींस कि यहाँ पे जो पॉलिसीज़ आ रही हैं वो राइट टाइम पे आ रही हैं और उनके जो हम कहेंगे इम्पैक्ट आ रहे हैं या पॉजिटिविटी है वो डे बाय डे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और अगर बात की जाए प्रेजेंट की और फ्यूचर की, तो यहाँ से जो ट्रैक दिखाई दे रहा है वो काफ़ी हद तक अपर लेवल पे दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से इकॉनमी की जो कंडीशन है वो बेहतरीन तौर पे दिखाई दे रही है। तो ये तो हो गई आज की बात। अगर हम बात करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, तो यहाँ भी 47,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो वीक का पहला दिन है, पॉजिटिविटी प्रिवेल है, इन्वेस्टर्स जो है वो लेस ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आज के दिन काफ़ी हद तक बेहतर परफॉर्मेंस और भी हो सकती थी। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। अच्छा वेलकम डेली हाइलाइट्स, आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 47,198.29 के लेवल पर, हायर साइड पर मार्केट गई 47,369.98, लोअर वॉज 47,168.75 एंड फाइनली क्लोजर 47,270.46, यानी कि 250 पॉइंट्स के स्पैन में मार्केट ने ट्रेड किया है और चेंज रहा 72.17 का इजाफा। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 395.83 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं, 31.57 का डिक्लाइन नज़र आता है फ्राइडे के मुकाबले में। वैल्यू रही 16.18 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, बायको पेट्रोलियम इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.01 के इजाफे के साथ, 9.79 पे क्लोजर, 44.96 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। सर्विस फैब्रिक राइट शेयर 0.52 का इजाफा देखा गया, 3.30 पे क्लोजर रहा, 42.15 मिलियन शेयर ट्रेड किए गए। एंड लास्टली TPL प्रॉपर्टीज 2.94 का गेन देखा गया, 61.40 पे क्लोजर रहा, 41.07 का कारोबार रहा। इन प्रिंसिपल रिफाइनरी पॉलिसी आई है आज, जिसका इम्पैक्ट आज हम वॉल्यूम लीडर्स में देख रहे हैं, बायको पेट्रोलियम दिखाई दे रहा है। इट मींस कि यहाँ पे कुछ पाइपलाइन में चीज़ें हैं और जल्द ही चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के बारे में। डिटेल जो एक सेशन है वो दिखाई दिया है, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। आसिफ अरसलान सोमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MD KSB सिक्योरिटी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले ये बताइए कि एक पॉजिटिविटी दिखाई देती है, फर्स्ट डे होता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कुछ लेस ऑप्टिमिज्म दिखाई देता है। जैसे आज इन्वेस्टर्स 300 के स्पैन में ट्रेड करते रहे, इससे ज़्यादा भी कर सकते थे, तो क्यों एक कॉशियस स्टैंस आ जाता है बीच में? देखिए नताशा, इस वक्त मल्टीपल फैक्टर्स जो है ना अफेक्ट कर रहे हैं। पहले तो हम एड्रेस करें कि पॉजिटिविटी वापस आने लगी है, विच इज़ अ गुड साइन, क्योंकि लास्ट जो हमारी इंडेक्स का थोड़ा बॉटम लगा था उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो डेटा आया था वो रेमिटेंसेस का था। रेमिटेंसेस में यूजुअली जो आपका ईद के बाद वाला महीना होता है उसमें डिप आता है, लेकिन हमने देखा इस मरतबा रेमिटेंसेस 2.7 बिलियन डॉलर्स आई थी, ईद के महीने के बाद भी जो है हमें इतना डिप नज़र नहीं आया। तो इसका जो वरी थी इन्वेस्टर्स की वो थी करंट अकाउंट डेफिसिट पे, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बहुत आया था, लेकिन रेमिटेंसेस अगर आपके ऊपर आए हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट की जो परेशानी है वो तकरीबन काफ़ी हद तक एड्रेस हो चुकी है। इसके बाद ओवर द वीकेंड आप देखें कि आपके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये जिक्र किया था कि हमारी करेंसी जो है जो 168 से ऊपर भी जा रही है, तो ये आर्टिफिशियल स्पेक्यूलेटर्स हैं जो उसको लेके जा रहे हैं, और उन्होंने एक हिंट करा है कि स्टेट बैंक जो है आज नहीं तो कल इंटरवीन करेगा, और उन्होंने ये कहा है कि 172-174 पे जाते हुए नज़र नहीं आ रहा, तो इन्वेस्टर्स को थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आ गया, इसीलिए पॉजिटिविटी वापस आ गई है। राइट, लेकिन रुपी के ऊपर मैं मजीद सवाल करूंगी, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगी, अभी आपने देखा पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन दिखाई दिया, उसमें प्रेसिडेंट साहब खिताब कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में उन्होंने फरमाया कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है और चौथी बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो दिखाई दे रही है पूरी दुनिया के अंदर। क्या अब और मज़ीद माइलस्टोन्स हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को या इंडेक्स को अचीव करने हैं?
जी नताशा, बिल्कुल। एक अगर पीरियड के अंदर हम देखें तो बिल्कुल हमारे एक सिलेक्टेड पीरियड के अंदर चौथी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट रही है। लेकिन पिछले 2 या 3 साल से देखिए हम डॉलर टर्म्स में तो स्टॉक मार्केट में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स वैल्यू। अच्छा, जो आपने इकदाम की बात की आगे जाके, अभी हमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का फोकस यही है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए कितना जल्दी गवर्नमेंट फैसले लेती है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की सूरत में हो, चाहे वो इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा टैक्स लगाने की सूरत में हो, चाहे वो पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की सूरत में हो कि आपके पेट्रोल की इम्पोर्ट्स कम हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इस वक्त ये सब परेशान बैठे हुए हैं, रादर मुंतजर बैठे हुए हैं कि हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात किस लेवल पे जा रहे हैं। अगर वहाँ से एक हमें ग्रीन कार्ड मिल जाता है और एक मिडिल ग्राउंड आ जाता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक आएगा, तो फिर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में एक अग्रेसिव पिकअप आएगा, ये स्लो एंड स्टेडी नहीं होगा। राइट, आपने जिक्र किया मॉनेटरी पॉलिसी का भी, तो 20th of September आई थिंक इसकी अनाउंसमेंट है, क्योंकि पहले ही इन्होंने अपना स्केड्यूल तो दे दिया था। क्या दिखाई दे रहा है अरसलान, इंटरेस्ट रेट कहाँ जाएगा इस बार, और क्या दोबारा स्टेटस को रहेगा? इफ़ यस, तो मार्केट इसको कैसे बिहेव करेगी? जी, इस वक्त नताशा इट्स वेरी ट्रिकी कॉल। मतलब पहले हम 1.5 साल तक कह सकते थे कि एक वन साइडेड था कि बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं। इस मरतबा क्योंकि स्टेट बैंक गवर्नर ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में ही कहा था कि करंट अकाउंट डेफिसिट आया है लेकिन ग्रोथ को हम तरजीह दे रहे हैं, लेकिन उसके 2 महीने बाद का भी जो डेटा आ रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट का बुरा ही आ रहा है। तो अब जो है इस वक्त फोकस ये देखना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से अब मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। एक तो ये है कि हमने रियलाइज़ कर दिया है कि जब भी अगर करंट अकाउंट डेफिसिट स्लिप होने लगे, और नंबर 1 नंबर 2 इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगे, तो स्टेट बैंक प्रोएक्टिव है। तो हमें ऐसे लगता है कि यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस इक्वल हो चुके हैं, देन नो चेंज। और ये करना ज़रूरी इसलिए है नताशा क्योंकि अगर हम लोग 2016 और 17 को याद करें, यही इंटरेस्ट रेट हाइक डिले किया गया था जिसकी वजह से करेंसी पे प्रेशर आया था। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्योंकि बैंक सबसे बड़े सेक्टर हैं इंडेक्स के अंदर, और इस वक्त जो है आपका इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो बैंक्स के अंदर सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट नज़र आ जाएगा जो आपकी इंडेक्स को ओवरऑल ऊपर कर लेगा। राइट, मैं दोबारा वही क्वेश्चन पूछना चाहूँगी जो आज प्रेजिडेंट साहब ने पॉइंट आउट किए। IT की ग्रोथ 47% दिखाई दे रही है, और भी फर्दर अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ 47 अरब के जो है वो मंसूबे रजिस्टर हो चुके हैं। इट मींस के काम तो हो रहा है, तो क्या हम वेट कर रहे थे पॉलिसीज का, या एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली नहीं था हमारे लिए? देखिए नताशा, इस वक्त जो हमें देखना चाहिए कि ये जो पॉलिसीज बनी है और ये पॉलिसीज को बनने के बाद यूटिलाइजेशन में टाइम लगता है। आपने एग्जांपल दिया कि जो टैक्स आपकी कंस्ट्रक्शन की एमनेस्टी आई थी उसके अंदर प्रोजेक्ट 450 अरब से भी ज्यादा रजिस्टर हुए हैं, और उनका लेकिन जो इफेक्ट है वो आपको 1.5-2 साल होते होते लगता है। एक प्रोजेक्ट खड़ा करना ये 6 महीने की बात नहीं होती। नंबर 1, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इंसेंटिव दिए हैं और टेक्नोलॉजी में 40% ग्रोथ नजर आ रही है, और हमें लगता है कि अगले 2-3 साल तक ये ग्रोथ रेट बिल्कुल ईजिली मैनेजेबल है। लेकिन जब पॉलिसीज गवर्नमेंट की बनती है, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस तब आता है जब उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट सही हो। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए करेंसी, इंटरेस्ट रेट बहुत 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो इवैल्यूएट करने चाहिए, और इस वक्त फोकस पूरा वापस है एक्सपोर्ट ग्रोथ पे। एक्सपोर्ट की ग्रोथ नहीं हुई तो हमारी GDP ग्रोथ आप 4.5% रख लें, दिस इज परफेक्ट। अगर आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं हो रही और ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है और GDP ग्रोथ 5.5% पे जा रहा है लेकिन उसके बाद स्लिपेज आ रहे हैं, तो ये इन्वेस्टर इस वक्त घबराए हुए ही रहेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, जैसे प्रेसिडेंट साहब कह भी रहे थे, पहले 2 साल बहुत टफ गुजरे हैं, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है एवरी सब्सिक्वेंट क्वार्टर, और हम ये उम्मीद ये रखते हैं कि अगर सर्कुलर डेट, एक्सपोर्ट्स और टैक्स में आपकी इंप्रूवमेंट आती रही इन 3 फैक्टर्स के ऊपर, तो अगले 3 साल तो पिछले साल से बहुत अच्छे रहेंगे। राइट, अच्छा अगर हम बात करें कि टैक्स के हवाले से, तो 18% यहाँ भी गेन दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें IT के हवाले से, जैसे मैंने कहा कि 47% दिखाई दे, तो एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़ रहे हैं क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा IT दिखाई देता है। अगर हम बात करें स्किल्स सिखाने की, तो 15 लाख नौजवानों को भी जो है वो आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हुनर सिखाए जा रहे हैं। तो आप समझते हैं कि हुनर सिखाना या स्किल्स भी हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा है, कि स्किल्स होंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे? नताशा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी स्किल, आपकी एजुकेशन, आपकी ह्यूमन कैपिटल कितना है, आपने आवाम के ऊपर कितना उनको हुनर सिखाया, ताकि यही स्किल जो है आगे एक प्रोडक्टिव यूज़ में आते हैं। हम IT एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे IT ग्रेजुएट्स अभी स्किल्ड हो चुके हैं। नंबर 1, हम लोग रेमिटेंसेस की बात करते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं बाहर सारे मुल्कों में काम करके वो पैसे वापस भेजते हैं,
कोई ना कोई तो हुनर है उसके बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल। और बाकी आपने बात की आईटी एक्सपोर्ट्स की भी, तो वंस नेचुरली यहाँ पे ग्रोथ आपकी नजर आ रही है, लेकिन ये टाइम लेगा। एक्सपोर्ट्स ग्रोथ तो बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन हमें देखना है कि ग्रोथ की परसेंटेज कितनी है। मिसाल आपको दे रहा हूँ, अगर एक्सपोर्ट आपकी $250 मिलियन से ग्रो कर रही है और आपकी इम्पोर्ट ग्रो कर रही है $1 बिलियन से, तो वो जो मिक्स एंड मैच जो है ये फिर भी खतरे की घंटी होता है, उसको मैनेज करना चाहिए। कब तक होगा ये मैनेज अरसलान, क्योंकि काफी अरसे से हम इस बात को देख रहे हैं के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो गैप है हमेशा से एक टग ऑफ वार रहा है, तो ये कब तक ये वार फिनिश देखिए, होगी? जब तक आपके एक्सपोर्ट्स में सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं आएगी, प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई नहीं होंगे, आपके एक्सपोर्ट यहाँ से डबल नहीं होंगी, तो हम लोग बूम एंड बस्ट में रहेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता रहा हूँ, देखिए आज अगर आप इंटरेस्ट रेट 7% से 3% करते हैं तो आपकी इम्पोर्ट्स यहाँ से डबल हो जाएंगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स नहीं है, हमारी इतनी आमदनी नहीं है इनको फाइनेंस करने के लिए। तो जब तक आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ 15-20% सस्टेनेबल नहीं होगी, जो मुझे लगता है कि इसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन आज की जो ट्रेंड हम देखा जाए, टर्फ की मशीनरी आपकी आएगी दिसंबर ऑनवर्ड्स, और अच्छा। एक्सपेक्टेशन ये है कि दिसंबर ऑनवर्ड्स आपकी टेक्सटाइल के अंदर ग्रोथ आएगी, तो तब तक हमें लगता है कि फिलहाल जो है ये एक बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन सिचुएशन होगी ट्रेड डेफिसिट की। राइट, रुपी का आपने स्टार्ट में जिक्र किया था, रुपी आपने कहा कि आर्टिफिशली जो है वो डिप्रिसिएशन देखी जा रही है, कुछ हैं लोग ऐसा करते हैं, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये डिप्रिसिएशन स्टॉप हो जाएगी, या कहाँ पर दिखाई दे रहा है जो स्टॉप हो जाए रुपी और एक स्टेबिलिटी दिखाई दे? देखिए अगर हम 4 महीने पीछे चले जाते हैं, करेंसी वॉज 152 मिड मई के अंदर, आज है 168, तकरीबन आपके 10% डिप्रिसिएशन हो चुकी है। अब इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो 1-2 महीने बाद पता चलते हैं कि एक्सपोर्ट ग्रोथ कितनी आई, आपने करेंसी को छोड़ा और इम्पोर्ट में कितना स्लो डाउन आ गया, तो ये 2-3 महीने तो और लगेंगे हमें मॉनिटर करने में। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल से जो करेंसी डिप्रिसिएशन का टूल है वो इस्तेमाल हो चुका है, अब शायद स्टेट बैंक मॉनिटरी टूल पे आ जाए इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करने में। अब मुझे पर्सनली लगता है कि जो 170 प्लस मार्क जो है ये हम शायद दिसंबर वगैरह पे नहीं देखें, और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, नेक्स्ट वीक 1-2 रुपये अगर आपकी करेंसी अप्रिशिएट हो गई ना, तो सबके जो आपके स्पेकुलेटर्स हैं आर्टिफिशियली, उनको जो मार पड़ेगी तो फिर वो अपने डॉलर्स साइडलाइन हो जाएंगे। जी बिल्कुल। राइट, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का भी प्रेसिडेंट साहब ने जिक्र किया, तो मैं चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स को वो भी बताइए, कैसी दिखाई दे रही है स्टेबिलिटी पूरे खत्ते के अंदर, जब अफगानिस्तान भी एक प्रॉपर कंट्री हमारे साथ ट्रेड स्टार्ट कर देता है, दोबारा एक अच्छे वक्त आ जाते हैं, तो कैसा ये जो है वो मैसेज जाएगा पूरी दुनिया को, और कितने अच्छे हमारे हेल्दी ट्रेड रिलेशन हो जाएंगे? नताशा, आप जितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज एक मुल्क या एक एरिया के अंदर क्रिएट कर लें, लेकिन अगर वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन सही नहीं है, पीस नहीं है, लोग आवाम जाते हुए घबराते हैं, तो कोई उधर इन्वेस्ट नहीं करेगा, चाहे आप जो भी रिटर्न करें। हैविंग सेड दैट, पिछले 5 से 6 साल में ईयरली हम लोग देखें तो पाकिस्तान के अंदर इम्प्रूवमेंट है, नंबर ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह टेररिस्ट अटैक्स कम हो गए हैं, हमारे पास जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं, जो आवाम की स्नैचिंग और ये आपके जो है गली गली में नज़र आती थी वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है, तो इन्वेस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ, आज से 7-8 साल पहले कोई लोग मुनासिब सी गाड़ी भी निकलते थे कराची जैसे शहर में डाउन टाउन में, तो अपने साथ एक गार्ड्स लेके चलते थे, आज सबसे महंगी महंगी गाड़ियां लोग जो है ना अकेले चला रहे होते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस आ गया है वापस कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है काफ़ी बेहतर है। ये जब कॉन्फिडेंस आया है तो उसको सस्टेन करेंगे तभी ये लोग पैसे इन्वेस्ट करेंगे, फॉरेनर्स दूसरे मुल्कों से पैसे इन्वेस्ट करेंगे तभी ग्रोथ आएगी। राइट, MSCI का भी परसेप्शन जो लोगों के दिमाग में था कि MSCI से हम डिमोट हो गए हैं, इमर्जिंग मार्केट से हम फ्रंटियर मार्केट में आए गए, हमारा साइज तो बड़ा है लेकिन एक डिमोशन भी देखी जा रही है, तो कुछ लोग जो क्रिटिक्स ज़्यादा करना पसंद करते हैं उन्होंने इस चीज़ को भी क्रिटिक्स को जाने नहीं दिया, तो मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को बताएं कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारा फ्रंटियर मार्केट में परफॉर्म करना और हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं अब अट्रैक्शन के FDI के लिए। देखिए इसमें अगर मैं बिगर पिक्चर की बात करूं तो ज़रूरी है कि हमें आगे तरफ देखना चाहिए, तो MSCI इमर्जिंग मार्केट स्टेटस जाहिर सी बात है फ्रंटियर मार्केट से बेहतर स्टेटस था, जो हमने मुश्किल से 2 मरतबा अर्न किया लेकिन गवा दिया, वो इसलिए क्योंकि हमारी इकोनॉमी बस्ट हो जाती है तो जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनकी डॉलर में वैल्यूएशन जो होती है वो आधी हो जाती है, फिर हम डीक्लासीफाई हो जाते हैं। हाँ, आपका एक एंगल है क्या ना कि हम फ्रंटियर मार्केट में हमारा वेट ज़्यादा होगा तो फॉरेनर्स फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मुल्क के अंदर आएगी, लोग देखना शुरू करेंगे, MSCI में वैसे ही इतने छोटे थे, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप MSCI का स्टेटस जो आपका था एक बड़ा एजाज था, और मुझे लगता है कि अगर इकोनॉमी वापस परफॉर्म करने लगे 3-4 साल में हम वापस MSCI इमर्जिंग मार्केट में चले जाएंगे, लेकिन ये जो परेशानी थी इन्वेस्टर्स के अंदर बैंक्स के सेक्टर के अंदर ENPs के अंदर सीमेंट्स के अंदर
कि सेलिंग आएगी, एक मरतबा ये होके ख़त्म हो जाए तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ से वो जो है ना अपटेक शुरू कर जाएगी। एक मरतबा सेलिंग हो जाए फिर तो आप देखिएगा बायर्स किस तरीके से एक्यूमुलेट करते हैं। अच्छा, जो स्क्रिप्ट या जो सेक्टर्स पहले से इंक्लूडेड थे फ्रंटियर मार्केट के अंदर, आप समझते हैं अब ब्लू चिप जो कि अब हार्ड टाइम दिखाई दे रहा है वो हॉट वाटर डाइव कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी अर्से से हम देख रहे हैं उनकी अट्रैक्शन उन्हीं लेवल्स पर है, तो अब फ्रंटियर मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन है और जो एफ डी आई आएगी या फिर जो फॉरनर्स आएंगे वो ज़्यादा कहाँ कैप्चर करते हुए दिखाई देंगे? देखिए कौन से सेक्टर, यूजुअली फॉरेनर्स जो आते हैं ना तो एक मैक्रो बेट लेते हैं कि कंज्यूमर के अगर पाकिस्तान 5% 6% ग्रो करेगा तो कौन से सेक्टर्स जाएंगे। अब चीज़ें बदल गई, जो फॉरेनर्स है वो ऑयल स्टॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। एक उनका नया एक आ गया है, समझ लें कि एक कंस्ट्रेंट आ गया, ESG जैसे कहते हैं, इन्वायरमेंट सोशल गवर्नेंस। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो कोयला है ऑयल की चीज़ें हैं उसमें अभी फॉरेनर इन्वेस्ट बहुत कम कर रहे हैं, नंबर वन। दूसरा जो सेक्टर जो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है पाकिस्तान के अंदर वो होता है स्ट्रक्चरल ग्रोथ। स्ट्रक्चरल ग्रोथ मतलब इकॉनमी बढ़ेगी, लोग अमीर होंगे तो वो क्या चीज़ खरीदेंगे, तो उसमें आपका फार्मास्यूटिकल हो गया, आपकी गाड़ियों का सेक्टर हो गया, आपके खाने फूड का सेक्टर हो गया। मुझे लगता है यहाँ पे इंटरेस्ट फिर भी ज़्यादा आएगा बनस्पत पहले जो हम देखते थे ऑयल स्टॉक्स और बैंकिंग सेक्टर में। यहाँ पे मुझे लगेगा ज़्यादा लोग इस वक्त बैठ लेंगे कि पाकिस्तान की अगर यंग पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, उधर अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही है, तो किस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी और कौन सी कंपनीज़ 5 years 10 years के लिए बेहतर है। मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, पिछले 1.5 साल से हमारी जो IT कंपनीज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रही है, चाहे सिस्टम्स हो, TRG हो, MNC हो, NetSol हो, क्योंकि फॉरेनर्स भी उसमें इन्वेस्ट करते हैं। वो देखते हैं पाकिस्तान ऐसी एजुकेटेड मार्केट है, वहाँ पे टैलेंट इज रिलेटिवली चीपर, तो इन कंपनीज के अंदर ग्रोथ की बहुत गुंजाइश है अगले 5 साल के लिए। राइट, आपने बैंक्स का जिक्र किया, बैंक्स के अंदर हम देखते हैं इस्लामिक बैंकिंग की ज़्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंकिंग, तो आप समझते हैं कि जो इस्लामिक बैंकिंग का फ्यूचर है तो आने वाले दिनों में इस्लामिक बैंक्स भी इंक्लूड होते हुए फ्रंटियर मार्केट में या आगे बढ़ते हुए फॉरनर्स की ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन ग्रैप कर पाएंगे? वेरी वैलिड पॉइंट। एज ऑफ नाउ ऑल्सो जो हमारी प्रीमियर इस्लामिक बैंक्स हैं उसमें वैसे ही फॉरेनर्स का इंटरेस्ट नज़र आता है और अच्छे तरीके से आता है, और फॉरेनर्स उसको काफ़ी उनमें प्रॉफिट उन्होंने कमाया भी है, नंबर वन। नंबर टू, आगे भी ये लगता है कि 3-4 साल आगे जाके, क्योंकि हमें देखना चाहिए, एक तो प्योर इस्लामिक बैंक्स होती हैं, दूसरी कन्वेंशनल बैंक्स होती हैं, जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं उनके अंदर इस्लामिक डिपार्टमेंट्स और विंडोज़ होती हैं, ठीक है। हमारे पास लिस्टेड स्पेस में इस वक्त सिर्फ 2 हैं इस्लामिक बैंक्स, एक बहुत बड़ी है, एक आपकी मिड टियर है, और तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, आगे जाके ग्रोथ जिस तरीके से नज़र आ रही है उस बैंक्स के अंदर, तो डेफिनेटली क्या पता वो 3-4 साल लगे जब इमर्जिंग मार्केट में जाएं तो ये भी उसके साथ जा सकते हैं। राइट, मैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइस के बारे में बात करूंगी, लेकिन अभी हम देखते चलते हैं ये सेगमेंट। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में, गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,12,500 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,500, इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 1,788.69 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 69.72 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 72.92 डॉलर। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 197 रुपीज़, सेलिंग वॉज 199, यूके पाउंड बाइंग रही 232 रुपीज, सेलिंग वॉज 234.50, US डॉलर बाइंग रही 168.60, सेलिंग वॉज 169.40, चाइनीज युआन बाइंग रही 23.65, सेलिंग वॉज 23.80, सऊदी रियाल बाइंग रही 44.80, सेलिंग वॉज 45.30, UAE दिरहम बाइंग एट 46.30, सेलिंग वॉज 46.90, कुवैती दिनार बाइंग रही 481.85, सेलिंग वॉज 484.40, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 392.70, सेलिंग वॉज 394.70। ये देख रहे हैं हम आज की मार्केट के और आज के जो करेंसी स्टैटिस्टिक्स हैं, हम ये देख रहे हैं ओवरऑल जो परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस अप होते हुए दिखाई दे रहे हैं, गोल्ड आज लोकल मार्केट में गिरता हुआ दिखाई दिए है, और अगर हम बात करें रुपी की तो यहाँ पे वही कंडीशन डेप्रिसिएशन की दिखाई दे रही है। अरसलान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद बात करेंगे। अरसलान, मैं चाहूँगी इंटरनेशनल ऑयल प्राइस पर आप कमेंट करें कि $70 के अराउंड दिखाई दे रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा साइन आपको अपवर्ड या डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है ऑयल प्राइस के अंदर? जी मुझे नताशा इस वक्त शॉर्ट टर्म में तो अपवर्ड ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि जब ये ऑयल प्राइस 75 एंड अबव हो गई थी तो US से एक बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज आया था कि आप इनको कंट्रोल करें, ठीक है, OPEC के लिए, तब से हमने देखा था कि प्राइसेस जो है नॉर्मलाइज हो गई, और एवरी मंथ आपका OPEC जो है सप्लाई बढ़ाता जा रहा है डिस्पाइट द फैक्ट कि डेल्टा वेरिएंट जो है और इवन मू वेरिएंट जो है पूरी दुनिया में जा रहा है। अच्छा, इसके साथ हमने देखा है कि अभी सऊदी अरब ने जो ऑयल एशिया को सप्लाई करते हैं वहाँ पे डिस्काउंट्स देना शुरू कर दिए, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि डिमांड थोड़ी सी कम होती जा रही है।
हैविंग सेड दैट, पिछले 1.5 साल के अंदर कोविड की वजह से काफ़ी जो है ना आपकी अपस्ट्रीम के अंदर, मतलब जो एक्सप्लोरेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हुई है। तो एक वक्त आता है कि आपके जब पिछली इन्वेस्टमेंट नहीं हुई तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अच्छा। तो क्योंकि डिमांड आपकी बढ़ेगी, तो मुझे लगता है कि दिसंबर या इवन फरवरी तक कुछ महीने हम देख सकते हैं कि ऑयल प्राइसेस जो है आपके $80 अबव भी चली जा सकती है। उसके लिए गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना चाहिए आज से ही, ताकि वो ज़्यादा इन्फ्लेशनरी शॉक ना हो और आपके इम्पोर्ट बिल ना ख़राब हो जाए। थैंक यू सो मच अरसलान सोमर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की डिटेल परफॉर्मेंस पे डिस्कशन की, इसके साथ साथ प्रेसिडेंट साहब की जो अभी पार्लियामेंट में तकरीर थी उसके हवाले से भी बात की, ओवरऑल इकोनॉमी के नंबर्स के बारे में आज डिटेल डिस्कशन की। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले आप हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें और इसके साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।